यहाँ पे मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं फैशन डिजाइनर तो बन जाऊँगा। मेरा शौक था कपड़े पहनने का, लेकिन पैसे नहीं होते थे। मेरे जो डिज़ाइन बनते हैं ना, वो जाते हैं पूरी दुनिया में, स्पेशल एक डिज़ाइन नहीं हम बनाते। आप बड़े दिल फेंक हैं, अदाकारा रेशम को दिल दे बैठे। मेरी दोस्त है और वो दोस्त ही मेरी रहेगी, मेरा ऐसी कोई बात नहीं। किसी की लड़की के साथ तस्वीर भी आ जाए ना, वो कहते हैं जी बस बड्डी का इसके साथ कुछ चक्कर हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शजरुद्दीन और आज फनकारियां में हमारे साथ मौजूद हैं फैशन इंडस्ट्री के आइकॉन महमूद भट्टी साहब। जी महमूद साहब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बस थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी आपने बुलाया। आपके हर साल बाद, दो साल बाद लाहौर का चक्कर लगा लेते हैं। मैं लाहौर ही हूँ ना। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं बस्तामी रोल लाहौर से आपका तल्लुक? हाँ बिल्कुल। मशीन पर कपड़े सीते सीते हाँ। आप फ्रांस तक पहुंच गए। यहाँ पे मैं यहाँ पे राइल से गुजरना, बस्तामी रोड पे हम रहते थे, एक 8 मरले घर पे, काफ का घर था मेरे पेरेंट्स का, वहाँ पे हम रहते थे। लेकिन यहाँ पे मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं फैशन डिज़ाइनर तो बन जाऊँगा। बड़ा शौक था कपड़े पहनने का, लेकिन पैसे नहीं होते थे, आदमी कपड़े नहीं ले सकता, तो ये लाइफ होती है ना, आपको पता है। पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री को दुनिया में आप कहाँ देखते हैं? ये फैशन डिज़ाइन स्कूल ये मैंने ही बनवाया था, एक छोटी सी कोठी पे। अब माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा इजी नहीं होता। गवर्नमेंट ने हेल्प की और जो यहाँ पे टीम काम करती है ना, उनका सबसे बड़ा रोल होता है। जो टीम यहाँ पे बैठ के इसको आगे लेके चलती है, अगर ये टीम अच्छी नहीं होगी ना, तो फैशन डिज़ाइन स्कूल कभी भी ऊपर नहीं जा सकता। किस फैशन डिज़ाइनर को फॉलो करके आप इस फील्ड में आए? किस को मैं फॉलो करके? मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं फैशन, क्योंकि वो जब मैं यहाँ पे आता था तो मुझे तो लोग दर्जी कहते थे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मैं फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँ, ठीक है ना। मुझे उनके नाम का भी नहीं पता था, अब मुझे नाम का सब दुनिया में पता है, क्योंकि मेरे बच्चे भी बड़े मशहूर हैं दुनिया में। बेटा मेरा लुई वीटों का मॉडल है, बेटी शनेल की मॉडल है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। तो अब सब चीज़ों का पता है, पहले तो पता ही नहीं होता था इनका। किस किस शख्सियत के, किस किस स्टार्स के अब तक आप जो मलबूसात हैं वो डिज़ाइन कर चुके हैं? डिज़ाइन तो पूरी, मेरे जो डिज़ाइन बनते हैं ना, वो जाते हैं पूरी दुनिया में, स्पेशल एक डिज़ाइन नहीं हम बनाते। हम करते हैं एक सीरी बनती है जो पूरी दुनिया में, फिर उसको क्लाइंट जो है ना, वो हमसे लेते हैं। अभी मुझे ये दिखा रहे थे मंगो, ज़रा, संद्रो, माज, ये सब मेरे क्लाइंट हैं। इनको डिज़ाइन बना के लेबर उनका लगा के दे देते हैं, लेकिन अपने मेरे ऑफिस भी हैं दुनिया में, ठीक है ना, जिनको मैं खुद करता हूँ सारे, खुद फैशन शो खुद। और मैं 3 दफ़ा जज रह चुका हूँ, मिस रशिया के लिए, मिस इटली के लिए, मिस फ्रांस के लिए। तो और भी काफ़ी काम है, आपको पता है लाहौर में एक हॉस्पिटल भी है, और भी मुझे शौक है इन चीज़ों। हॉस्पिटल मेरा नहीं है, मेरे 3 पार्टनर हैं उधर, उसमें नेशनल वो ही चलाते हैं, ठीक है ना। मैं तो पीछे हूँ, मेरी एक CEO है डॉक्टर शहदा, वो माशाल्लाह उसको ज़िंदगी दे, वो काफ़ी काम कर रही है। उसने कोविड में बड़ा काम किया है वहाँ पर। डॉक्टरों नर्सों की इनकी बड़ी हेल्प करनी चाहिए, इनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि यही कोविड के आपकी जाने जो ना, ये लोग ही बचाते हैं। अच्छा ये बताएं कि कोई ऐसी ख्वाहिश हो कि महमूद भट्टी के दिल में, कि वो चाहता हो कि मैं ये जो शख्सियत है या ये कोई दुनिया का स्टार है जिसका जो जो डिज़ाइन मलबूसात है, मैं खुद उसको करूं, कभी ऐसा दिल में कोई है? नहीं माशाल्लाह, मैं जहाँ पे बैठा हूँ ना, इंटरनेशनल मार्केट है सब, एक मेरा भी एक आपकी सबकी दुआओं से मेरा भी एक नाम बन गया हुआ है, तो वो लोग सब मिलते हैं, फिर वो खुद आके सारा करते हैं वहाँ पर। हाँ ऐसी कोई बात नहीं। सुना है आप बड़े दिल फेंक हैं, अदाकारा रेशम को दिल दे बैठे। यार पता है क्या, तो क्या ऐसी वजह हुई कि ब्रेक आ गई? नहीं, वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है और ब्रेक का कोई चक्कर नहीं है, मेरी दोस्त है और वो दोस्त ही मेरी रहेगी, मेरा ऐसी कोई बात नहीं है। शादियां करने में आप मास्टर हैं? मास्टर हूँ। ठीक है, और आपने दो सुपरस्टार मॉडल्स के साथ शादियां की हुई हैं, क्या यही सवाल था मेरा कि आप दिल पे? नहीं, आप देखें ना, आप एक यहाँ पे मैं आया हूँ तो आप ये सवाल कर रहे हैं, मेरा काम है फैशन का, तो मेरा ना पूरी दुनिया में जो कवर्स आते हैं ना मीडिया में, वो मेरे चलते रहते हैं ऐसे। किसी की लड़की के साथ तस्वीर भी आ जाए ना, वो कहते हैं जी बस बड्डी का इसके साथ कुछ चक्कर हो गया।
तो ऐसी कोई बात नहीं। यानी कि दो मॉडल्स के साथ आप? नहीं, मेरी शादी हुई है एक मॉडल के साथ, वो मेरी माँ, मेरे तीन बच्चों की माँ है, वो दुनिया की बड़ी मशहूर मॉडल थी, अमेरिकन है, अमेरिकन रेड इंडियन। मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं और अमेरिकन है, लेकिन वो खुद भी मॉडल हैं सारे। आप अच्छा, म्यूज़िक का तो शौक होगा, किसको शौक से सुनते हैं? नुसरत फ़तेह अली को। नुसरत फ़तेह अली। और खाने में क्या पसंद है? लोहड़ी खाना में पाकिस्तानी खाना। नहीं, कौन सी चीज़ ज़्यादा? काफ़ी चीज़ें पाकिस्तानी मेरे पास, पेरिस में भी कुक है वहाँ पे, जो पाकिस्तानी जब दिल करे तो काफ़ी लोगों को बुलाते हैं तो वो आके। भट्टी साहब, आपके अलावा फैशन इंडस्ट्री में नीलोफर, बीजी और HSY हैं, इसमें से आप किसको समझते हैं कि ये अच्छे फैशन डिज़ाइनर है? क्योंकि नीलोफर और बीजी जो हैं वो आपके ही उस टेन्योर के फैशन डिज़ाइनर। ये तीनों ही मेरे टेन्योर के हैं और तीनों को मैं जानता हूँ और तीनों के मैंने काफ़ी हेल्प की हुई है, वो तीनों ही बड़े अच्छे डिज़ाइनर। तीनों ही इसमें से नंबर वन, नंबर टू? नहीं, नंबर वन। तीन न्यू जनरेशन जो है फैशन इंडस्ट्री में आ रही है, क्या टिप देंगे आप उनको? क्योंकि हमारे वो कौम का फ्यूचर है, वो फ्यूचर जो है ना वो हमारे मुल्क के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि हमने सब ने चले जाना है। मैं भी रिटायरमेंट पे जा रहा हूँ और चीज़ काम कर रहा हूँ काफ़ी, ठीक है ना। और ये न्यू फ्यूचर जो है इनको मैंने अभी बताया है, मतलब आप एक दूसरे को कॉपी ना करें, कॉपी राइट्स होने चाहिए और अपनी चीज़ें खुद करें। TV2Day के नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत मेहरबानी आपने मेरा इंटरव्यू किया, थैंक यू। नाजरीन, ये थे महमूद भट्टी साहब, आईकॉन फैशन इंडस्ट्री। अब अपने मेज़बान शजरुद्दीन को फनकारिया में इजाज़त दीजिए, आइंदा नए एपिसोड के साथ नई शख्सियत, नए फनकार के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।